वीडियो लेट चढ़ेगा आज। क्यों बोले तो इधर से मैं पूरा प्रिपेयर करके निकल रहा था शूट करने के लिए। शूट बोले तो मोटो व्लॉगिंग, क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो क्वेश्चन आप पूछे थे उसका आंसर देने के लिए तैयार था, पूरा रेडी था। इधर से मैं गाड़ी चला के जाने के टाइम पे क्या हुआ, 80% फुटेज डिलीट हो के, या तो मैं रिकॉर्डिंग बटन दबाने के लिए भूल गया, तो पूरा जितना भी एक 2 आवर्स का जो टाइम था जाके कैप्चर करके बात करके आएंगे करके गया, तो पूरा डिलीट हो गया था। लोकेशन था कि चामुंडी हिल्स। क्यों उधर जा रहा था बोले तो उधर आदमी लोग कम रहते हैं, गाड़ियाँ कम रहते हैं, एम्बियंट साउंड कम रहते हैं। ये जो हेलमेट के अंदर जो कैमरा बैठा है, जो साउंड, जो एम्बियंट साउंड जो नहीं रहेगा, तो जो मैं बात करता हूँ आप लोगों को क्लियर सुनाया था, तो वही सब प्लान, तो पूरा सत्यानाश हो गया। तो मैं अभी घर पे, इधर अभी बज रहे 8:30-9 बजे, तो मैं अभी क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो वीडियो बना के एडिट करके सुबह में एज यूजल 8:30-8 बजे अपलोड कर देता हूँ। इवनिंग पे मैं अपलोडिंग का टाइम दिया था पोस्टिंग का, तो मैं कर नहीं सका, क्यों बोलते गलती मेरी थी, तो हम जो बोले टाइम पे नहीं किए ना, इसीलिए मैं अपडेट कर दे रहा हूँ, सॉरी। सभी लोग वेट कर रहे होंगे। तो सुबह में एज नॉर्मल सुबह में कर रहा था, इसे 8:30 बजे मैं पोस्ट कर देता हूँ। उसके बाद अभी तो 16 क्वेश्चन आके हैं मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे, जो मैं पूछा था क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो लूना नहीं, इम्तियाज इम्त भाई, करिश्मा कार का माइलेज सेटिंग स्क्रू जैम होके रिपेयर हो गया हुआ, रिपेयर हो सकता है कार्बोरेटर स्क्रू नहीं। अभी क्या, जो ट्यूनिंग स्क्रू है उस जगह पे क्या करना, अगर जाम हो के रहा तो ऐसा हीटिंग, ऐसा टार्च या हीट करके जो थ्रेड जो पोर्शन आता है हीट करना, थोड़ा टाइट करना, स्क्रू बैठने वाला हीट करके थोड़ा टाइट करना, टाइट करने के बाद दोबारा हीट करके खोलने की कोशिश करो फ्लैट स्क्रू ड्राइवर से। अगर खुल गया तो नसीब, नहीं तो कार्बोरेटर चेंज करना पड़ता। मैं तो खोल क्यों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू इम्तियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन सरजिल एम सैयद, पल्सर AS200 मिसिंग कर रही है, क्या करना चाहिए? बोले तो मिसिंग तो नई गाड़ी में मिसिंग आना उतना चांसेस नहीं है, अगर आ रही है बोले तो ये प्लग वीक हो के या प्लग जाके रहता है। दूसरा, अगर ज़्यादा चल के बोले तो टैंक के अंदर पानी घुस के, आपको मालूम नहीं रहता लेकिन टैंक के अंदर पानी रहता है, ख़ासकर पल्सर गाड़ियों में, तो कार्बोरेटर में जाके पानी सिपड़ के बैठा रहता है, तो कभी कभी ऐसा मिस मरता है। तुम प्लग, टैंक और कार्बोरेटर दो भी तीन भी तुम प्लग चेंज करो, टैंक क्लीन करो और कार्बोरेटर को साफ करके रिट्यूनिंग करो, तो आपको चांसेस है कि सही हो जाएगा आपका कार्बोरेटर और गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन अबू बकर शेख, आपको भी जुमा मुबारक। थैंक यू ऋषिकेश जाधव, व्हाट इज डीजल वॉश फॉर बाइक, थिंग्स टू केयर इन बाइक वॉशिंग एंड पॉलिशिंग। पॉलिशिंग के बारे में तो मेरे को आइडिया नहीं है, एक ही चीज़ यूज़ करता हूँ पॉलिशिंग बोले तो डैशबोर्ड के लिए, सभी गाड़ियाँ एक्टिवा सब 20 रुपीज़ का आता है वैक्स का, तो पॉलिशिंग का तो मेरे को आइडिया नहीं है, मैं अभी तक यूज़ करके नहीं हूँ, खुद की गाड़ी के लिए भी यूज़ नहीं किया हूँ अभी तक। तो वॉशिंग का बोले तो प्रॉपर वॉश करना बोले तो टैंक, शील्ड्स और तुम्हारा चेन केसेस, वो सब निकाल के नेकेड बना के, आपके पास डीजल है तो डीजल यूज़ करो, सब जगह तुम्हें डीजल अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पानी की प्रेशर से पूरा गंदा डर्ट, तुम्हारा पुराना ग्रीस ऑयली जो भी घट हो के रहता है पूरा मार के आया था। मैं यूज़ करता हूँ केमिकल, जो सोप ऑयल फ्यूल मिक्स करके पूरी जगह स्प्रे करके, पेंट की जगह नहीं, सिर्फ एल्यूमिनियम जो भी ऑयल ग्रीस है उधर, तो ग्रीस करके मैं पूरा कंप्लीट वॉश कर देता हूँ, वही है सेटिंग। और हाफ सर्विसिंग कर रहे हैं बोले तो सिर्फ चेन और इंजन केसेस नीचे, और इंजन के ऊपर सब डीजल अप्लाई कर लो, अच्छी तरह से ब्रश मार लेंगे तो आराम से पाक पाएगा, डीजल बेस्ट है। सैयद नजीम, जुमा मुबारक आपको भी। थैंक यू, आपको भी जुमा मुबारक। माय क्वेश्चन इज़, मेरी बाइक यूनिकॉर्न 150 है,
हर एक चीज़ ठीक से देखता हूँ और मेंटेनेंस रखता हूँ। राइडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मुझे 33 to 35 माइलेज जा रही है। अच्छा, उसके बारे में डिस्कस कर रहा था, पूरा डिलीट हो गया फुटेज। दोबारा बोलता हूँ तो ट्यूनिंग एक बार चेंज करके देखो, गाड़ी अच्छी भागती है लेकिन जो कंबस्शन उसका ठीक नहीं रहता, या तो लीन में चलती रहती है या तो मिक्सचर रिच में चलती रहती है। तो प्रॉपर रहना है एयर एंड तुम्हारा फ्यूल मिक्सचर, तो ट्यूनिंग चेंज करके देखो। 180 × 4 times रख के देखो, 180 × 4 times रिलीज करके देखो, अगर हो गया तो हो गया। और ये तुम्हारा थ्रॉटल कैसा तुम यूज़ करते हो, जैसा तुम थ्रॉटल देते हो उसके ऊपर भी माइलेज बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि मैं चलाता हूँ गाड़ी, मैं वीडियो में अपनी गाड़ी चलाने का एक्सप्लेन किया हूँ, ये क्वेश्चन एंड आंसर इसके बाद मैं वो वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। आधा फुटेज डिलीट हो गया था, आधा फुटेज है, तो कंटिन्यू करता हूँ। लूना TFR रिपेयर्स। जुम्मा मुबारक भाई, लूना TFR में नया एवरेज स्क्रू वाला कार्बोरेटर डाला, 80 किलोमीटर आ रही है। देखा लूना TFR, मैं कैसे तारीफ करना, कैसे भी तारीफ करना बोले तो कमी है। जो आप वो जो छोटी गाड़ी इस जनरेशन में आप शौक से काम कर रहे हैं बोले तो बहुत बहुत खुशी की बात है। आई अप्रिशिएट दैट। लूना TFR, थैंक यू। क्या Yamaha R15V सेकेंड हैंड ख़रीदना ठीक रहेगा? 2006 मॉडल, तो डिपेंडिंग अपॉन यू, तुम चेक करना पड़ता है क्या क्या चेक करना पड़ता है। टायर चेक करना पड़ता है, फ्रंट एंड बैक, तुम्हारा पेंट चेक करना पड़ता है, और जो भी जनरल चीज़ें हैंडल बार, हेडलाइट, इंडिकेटर सब चेक करना पड़ता है। थोड़ा चीज़ें तो कट हो के रहते, टूट के रहते हैं, तो तुम वो चीज़ें के ऊपर ध्यान दे के गाड़ी प्रॉपर है या कंडीशन पे है देखना आपको पड़ता है। तो नेक्स्ट इंजन जो कंडीशन, जो स्मोक है, ब्लैक स्मोक है, या तुम्हारा क्लच रेजिंग है, ऐसी सब चीज़ें आपको चेक करना पड़ता है। वही तुम्हारे ऊपर जाता, मैं कुछ बोल नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीराम रमेश, ओल्ड होंडा इंजन हीटिंग प्रॉब्लम, क्लाइमेट के ऊपर भी जाता है। अगर ज़्यादा धूप है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, इंजन ऑब्वियसली हीट होती है, नॉर्मली हीट होती है हर गाड़ी, क्यों बोले तो हेड में उतना फायरिंग लेती है, बोले तो हीट होती है। ऑयल उसको संभालता है, तो ऑयल एक बार चेक करो। हीटिंग प्लग, कोल्ड टेम्परेचर प्लग ऐसे वैसे आते हैं, गलती से वो भी लग के रहेगा तो भी हमारे को इंजन हीट मारती है। सबसे पहले इंजन का जो हेड के ऊपर एक कूलर जॉइंट होकर रहता है, एक लाइन सेकेंडरी एयर फिल्टर के पास ही एक छोटा सा पंप रहता है, वो हवा डकल डकल के देते, एक किस्म का कूलिंग है। वो लाइन अगर ब्लॉक हो गया रहा तो ज़्यादा हीट होने के चांसेस है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और एयर फिल्टर भी एक बार चेक कर लो। थैंक यू। सर, टॉप स्पीड आपकी बाइक की है क्या? हाँ किया, 130/3, 130/5, एक बार 130/8, पूरा किल कर दिया था गाड़ी। तो मैं उधर शूट, वो पर्टिकुलरली वो वीडियो शूट करके डालना मेरे को पसंद नहीं आ रहा, बोले तो हमारे चैनल पे छोटे छोटे टीनेजर्स हैं, हम इश्क जैसा होता है, स्पीड चलाओ, रैश चलाओ, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो टॉप स्पीड है उतना, 138 तक मैं चलाया हूँ, तो मैं सजेस्ट भी नहीं कर सकता, अभी चला के दिखाओ तो वो पूछो भी मत। अच्छी चल रही है गाड़ी, थैंक यू। इंटरनेट वेब भाई, करिश्मा का किक और सेल्फ जैम हो रहा है, जब सेल्फ करते हैं गाड़ी करते हैं तो किक से स्टार्ट हो जाती है, अगर गियर को वापस डालते हैं तो। हाँ, बहुत लंबा है क्वेश्चन, मेरे को समझ में आया, मैं समझा देता हूँ। वन वे क्लच, उसके बॉल्स, स्प्रिंग और उसका जो प्लास्टिक
एक कंपोनेंट होता है छोटा सा, उसमें स्प्रिंग बैठ के बाल्स ऐसा डगल के पूरे तुम्हारा मैग्नेट के सराउंडिंग सर्कल टाइप में बिठा के रहते, ठीक है। अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो एग्जांपल दिखा था। तो अगर वो स्प्रिंग कट हो के, वो प्लास्टिक कंपोनेंट कट हो के, जो उसका जो रूम है वो भी कट हो के ग्राइंड हो के रहा है, तो तुम्हारे को आवाज़ मारती है, तो उसके बाल्स और सेटिंग की चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से, तुम लेके एक बार यूज़ कर लो। किक से भी स्टार्ट होती है वो, जाके ख़राब हो के बोले तो जब गाड़ी ऑफ करते हैं उस टाइम पे मैग्नेट रिवर्स लेता है एक एक बार, तो उस टाइम पे आवाज़ आती है खटक खटक करके। एक एक बार मेरी गाड़ी में भी आती है, मेरे खोल के चेक करना है। वंशी वंशी कुमार, मैं होंडा एक्टिवा गी 42 किलोमीटर्स माइलेज, 42 माइलेज तक आती है। होंडा एक्टिवा का इंजन फिटिंग का वीडियो बनाओ भैया, एंड जुमा मुबारक। ठीक है, 40 पर दो बोले तो बहुत अच्छा माइलेज है। आलम नागू, 2 hours ago, लास्ट क्वेश्चन है ब्रो, योर वर्क इज गुड, वेरी गुड, परफेक्ट एंड नाइस। स्मॉल डाउट है, हाउ मेनी किलोमीटर आफ्टर चेंजिंग टाइम चेन? वो भी डिपेंड करता है इतने किलोमीटर पे चेंज करना करके नहीं, जब वो ख़राब होता है, जब आवाज़ करती है, टेंशनर पहले उड़ता है उसकी वजह से, जब लूज़ हो जाती है तो हमेशा वो चेन एक टेंशन पे बैठा रहता है ऐसा, ये चेन टेंशनर, अगर ये थोड़ा लूज़ हो गया तो भी इसको ख़राब कर देता है, अगर ये लूज़ हो गया तो भी ये चेन को ख़राब कर देता है, तो दो भी मैटर करता है जब तक आवाज़ आने तक। तो आवाज़ आने के बाद चेंज करो, इतने किलोमीटर तक मैं बोल नहीं सकता, क्यों बोले तो हर एक चीज़ भी उसका लाइफ स्पैन हम बोल नहीं सकते, लोकल चीज़ें भी कभी कभी लंबा आ जाता लाइफ, तो ओरिजिनल चीज़ लाइफ घट जाता, ऐसा होता रहता, हर चीज़ का गारंटी नहीं है, उम्मीद रख सकते हैं, भरोसा नहीं रख सकते। तो लास्ट क्वेश्चन वही था, अभी तक पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स के जवाब दे दिया हूँ। अच्छा लगा तो कमेंट नीचे कमेंट करो जो भी क्वेश्चनर्स। तो इस वीडियो के बाद इधर से मैं जो भी एडिट करके हूँ, जो गया था उसका थोड़ा एडिट करके मैं बोल के था वो भी सुन लो, तो उधर तक वीडियो ख़त्म हो जाएगी। बस इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत शुक्रिया, आपका जो क्वेश्चंस हमारे को बहुत पसंद आया, आंसर करने में भी हमारे को बहुत पसंद हुआ, और ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहो, कमेंट करो नीचे, और हर एक वीडियो में कमेंट करो। ये जो रोड है इधर, नंदी करके एक प्लेस है, वो रोड के लिए जॉइंट होता, डाउन है अभी पूरा, उधर से चढ़ के ऐसा उतरना, इधर से व्यूज अच्छा है, तो खड़ा था हूँ, रुको एक मिनट। और ये सिर्फ वन वे है, आने के लिए नहीं, सिर्फ जाने के लिए। चीता का बहुत डर लगता है इधर। ये लो व्यू, ओ चक्कर आ रही है, अभी ऐसा जाके ऐसा नीचे जाके ऐसे जाना, ऐसा जाके ऐसा आना, वो है रेस कोर्स पैलेस, ललिता पैलेस, हमारा घर जो है उधर। ओके चलो, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो सन। वाओ, ये जो दशहरा का जो लाइटिंग इधर ही वेलकम लाइटिंग निकाल दे रहे हैं।